Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter number 13, Motion and Time, with the topic Simple Pendulum, Pendulum Clock and Use of Quartz Crystal. अब अभी तक हमने डिस्कशन किया था टाइम में कि पुराने टाइम के अंदर किस तरीके से जो लोग हैं वो मेज़रमेंट करते थे, टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. अब जो चीज़ें हम टाइम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं? क्लॉक्स एंड वॉचेस. अब क्लॉक्स एंड वॉचेस किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन विच रिपीट इट्सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. अब जो क्लॉक्स और वॉचेस हैं इनका यूज़ हम टाइम मेजरमेंट के लिए करते हैं, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? पीरियोडिक मोशन पर वर्क करती है. अब इनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस विच शो द पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम. और पेंडुलम क्लॉक का जो यूज़ है हम टाइम मेजर करने के लिए करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम. सो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की. अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? दैट कंसिस्ट अ स्मॉल मेटल बॉल, मतलब एक छोटी सी मेटल की बॉल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉब, BOB, विच इज़ सस्पेंडेड, मतलब वो किससे टंगी हुई होती है? बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, मतलब ऊपर से हमने उसे क्या दिया है? अच्छा सा सपोर्ट दिया है, सच दैट कि जो हमारा बॉब था, मतलब मेटल का पीस था, दैट इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, कि वो आराम से क्या हो सके? स्विंग हो सके. उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम 15A के अंदर हमें दिखाया गया है. मोशन ऑफ पेंडुलम को जो सबसे पहले स्टडी किया गया था, दैट वॉज स्टडीड बाय गैलीलियो, और उन्होंने उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी डिस्कवर किया था, जिसके हिसाब से क्या होता था कि एक पेंडुलम क्या करता है? दैट कंप्लीट्स एवरी ऑक्सीलेशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टेंट. अगर हम उसकी लेंथ को क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो वो हमें इक्वल टाइम के अंदर अपने ऑक्सीलेशन को क्या करता है? कंप्लीट करता है. ऑक्सीलेशन मतलब एवरी स्विंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मतलब एक चक्कर पूरा करने में वो एग्जैक्टली क्या लेता है? सेम टाइम लेता है. ये उसका क्या था? प्रिंसिपल था. इन अदर वर्ड कहें तो जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन का गिवन पेंडुलम, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. अब हम जहाँ बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम, इसमें हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर हमने क्या दिया? एक रिजिड सपोर्ट दी है, और उस मेटल बॉब को एक लॉन्ग थ्रेड की हेल्प से क्या किया है? अटैच किया गया है. अब जब इस पेंडुलम में मोशन होती है तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? दैट इट मूव्स विद पीरियोडिक मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो क्या करता है? ऑक्सीलेट करना शुरू कर देता है टू एंड फ्रो, और जस्ट लाइक अ स्विंग, जैसे झूला होता है आगे पीछे जाता है, वैसे ही हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो भी क्या करता है? टू एंड फ्रो मूव करता है, जब हम उसे क्या करते हैं? एक साइड से खींचते हैं और देन क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं. अब जो लेफ्ट और राइट साइड पर वो जाएगा, कहते हैं वो जो पोजीशंस होंगी उसकी, उसे हम किस पोजीशन के नाम से बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन. सेंटर जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं मेन पोजीशन, जैसे कि डायग्राम 15B के अंदर हमें दिखाया गया है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है वो कौन सी है? हमारी मेन पोजीशन. और जब वो ऑक्सीलेट करता है टू एंड फ्रो, तो वो जो पोजीशन पर पहुंचता है वो कौन सी होती है? हमारी एक्सट्रीम पोजीशन. मतलब यहाँ ए हमारा मेन पोजीशन था, बी एंड सी हमारे क्या हैं? एक्सट्रीम पोजीशन है. तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन था सिंपल पेंडुलम का, ये हमारा एग्जैक्टली क्या होता है? दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहली चीज़ है लेंथ ऑफ द पेंडुलम. अब पेंडुलम की लेंथ क्या होगी? कहता है दैट इज़ द लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब, मतलब जो ऊपर से पूरा थ्रेड हमने यूज़ किया है वो क्या कहलाएगा हमारा? दैट इज़ कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम. द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, की जो उसका टाइम पीरियड रहेगा वो भी डिपेंड करेगा इसकी लेंथ के ऊपर. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. अगर हमने लेंथ चेंज की तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. बट अगर हम सेम लेंथ लेकर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो टाइम पीरियड रहता है उस गिवन पेंडुलम का, वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है विद दैट गिवन लेंथ. फिर सेकेंडली हम बात करते हैं ऑक्सीलेशन की. अब ऑक्सीलेशन क्या होता है? कहते हैं वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड एज ऑक्सीलेशन. इन जनरल टर्म अगर आपको बताऊं तो
फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, मतलब बी टू सी एंड देन फर्दर अगेन सी टू बी आना, इसे हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर इसकी मेन पोजीशन से शुरू किया जाए तो ए से बी पर जाना, देन बी से सी पर आना एंड बैक टू ए पर, मतलब सी से वापस ए पर आना, उसे हम कम्प्लीटली क्या बोलेंगे, दैट इज कोल्ड एज वन ऑक्सीडेशन। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो हम सीधा कहते हैं कि वन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और दूसरी से वापस पहली पर आना, इस पूरे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोल्ड एज वन ऑक्सीडेशन। बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होगा, कहता है जितना टाइम वो सिंपल पेंडुलम लेगा एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड बोलेंगे। मतलब बी से सी पर गया, सी से वापस बी पर आया, इस पूरे चक्कर में उसने कितना टाइम लिया, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली बात करें तो जो टाइम पीरियड वो लेता है एक ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने में, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम एक के वन ऑक्सीडेशन के टाइम को मेज़र करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ टाइम लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन का, और उसने उस ड्यूरिंग टाइम पर जो टोटल टाइम लिया है बाय द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, उससे हम क्या निकाल देते हैं, वन ऑक्सीडेशन का टाइम पीरियड निकाल देते हैं। मतलब अगर हम क्या कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम है, उसने 20 ऑक्सीडेशन को 32 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट किया, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कहते हैं 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती हैं 32 सेकंड के अंदर, और एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगी 32 सेकंड बाय में 20 विच इज़ इक्वल टू 1.6 सेकंड। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो आपकी बुक के अंदर आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कब होता है, जब हम एक ऑक्सीलेशन के टाइम को मेजर करते हैं। तो टाइम पीरियड जनरली क्या हुआ, विच इज़ द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू मेक वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है हमारे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब जो डिस्टेंस ए बी होगी, मतलब ए से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। डिस्टेंस ए सी भी क्या होगी हमारी, दैट इज ऑल्सो कोल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। प्लीज नॉट कि जो एम्पलीट्यूड है ऑक्सीलेशन का, कहते हैं चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, पर जो टाइम वो लेता है ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जो आपको खुद से क्या करनी है, रीड करनी है अच्छे से। जो न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है, अब उसमें क्या दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम 32 सेकंड्स ले रहा है 20 ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने में, तो हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो ये अभी हमने लास्टली अभी समझाते मैंने आपको बताया कि 20 ऑक्सीडेशन का टाइम कितना है 32 सेकंड्स, तो वन ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 32 सेकंड बाय में 20, दैट इज इक्वल टू 1.6 सेकंड। तो इस तरीके से इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहेगा, दैट विल बी 1.6 सेकंड। गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है गिवन पेंडुलम का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये उनकी जो डिस्कवरी थी वो बाय चांस हुई। किस तरीके से, कि वो एक बार कहाँ बैठे थे, चर्च में बैठे थे, उन्होंने क्या देखा कि जो लैम्प है दैट इज़ हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, मतलब ऊपर छत से बंधा हुआ है, विद अ लॉन्ग चेन वॉज स्विंगिंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब वो क्या कर रहा था, ऑक्सीलेट कर रहा था। एंड क्लॉक एंड वॉचेस वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, उस टाइम पे हमारे पास घड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी। सो गैलीलियो ने क्या किया, अपनी पल्स रेट को एक तरीके से वॉच की फॉर्म में यूज़ किया, और क्या बताया, ही वाज सरप्राइज दैट कि जो उसकी पल्स थी वो भी सेम नंबर ऑफ टाइम से बीट करी उस ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, जितना कि उस स्विंगिंग लैम्प ने एक ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने में लगाया। तो इसी ऑब्जर्वेशन से उन्हें आइडिया मिला कि जो टाइम पीरियड होता है गिवन पेंडुलम का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने और जस्टिफाई करने के लिए और भी बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और भी बहुत तरीके की ऑब्जर्वेशन करी, और उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि गिवन लेंथ का जो पेंडुलम होता है दैट ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में वो क्या लेगा, सेम टाइम लेगा।
इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. तो जो पीरियोडिक मेशन था पेंडुलम का, दैट हैज़ बीन यूज टू मेक पेंडुलम क्लॉक फॉर मेजरिंग टाइम, उसी से हमने क्या किया, पेंडुलम क्लॉक्स बनाई जिसका यूज़ हम टाइम को मेजर करने के लिए करते हैं.